तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। दोस्तों हम लोग आए हैं श्री गजानन महाराज संस्थान मठ, जो से गांव आपका अलंदिक क्षेत्र में आता है, तो उस मंदिर में हम लोग आए हैं। और मंदिर के बाहर आपको इस तरीके की रोड पे फ्री पार्किंग मिल जाएगी। और एक्चुअली यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि नो पार्किंग, बट कोई ऑप्शन नहीं तो लोग यहाँ पे ही अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। हमने भी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की भाई, और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। देखते हैं कि मंदिर में क्या है। किसी भी तरीके का भाई कोई एंट्री पास वगैरह नहीं होता, आपको पता होगा। संत सोपान देव प्रवचन हाल, संत सोपान देव मैं आपको बता दूं, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज थे उन्हीं के मतलब भाई हैं। श्री संत निर्वित्तिनाथ तो इनके बड़े भाई थे, और इनकी एक बहन भी थी मुक्ता भाई। ये सब संत ज्ञानेश्वर महाराज के भाई बहन थे, चार भाई बहन थे इन लोग। और यहाँ पे प्रसादालय है, प्रसादालय सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यहाँ पे प्रसाद वगैरह मतलब कि भोजन वगैरह मिलता है, चाय दूध और कॉफी। ठीक है, यहाँ पे भाई सूर्य वगैरह है, मतलब चप्पल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे संत तुकाराम महाराज के नाम पे भी एक है, मतलब भाई बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ, वेल मेंटेन्ड यहाँ पे, और आने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए संत नामदेव, तो जितने भी महाराष्ट्र के जो संत हैं उनके नाम पे यहाँ पे भवन बने हुए हैं, और स्टे करने के लिए मेरे हिसाब से होगा। संत गजानन महाराज का यह मंदिर पुणे के आलंदी क्षेत्र में आता है दोस्तों। और अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन से बाई रोड आते हो तो कार से आपको लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा। कार के पार्किंग अंदर भी है, और बाहर आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो। इन सब के अलावा जो संत ज्ञानेश्वर का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वहां से इस मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, तो आप वहां से भी दर्शन करके यहां पे आ सकते हो। मंदिर का जो शेड्यूल आप यहां पे देख सकते हो, सुबह 5 बजे से खुल जाता है दोस्तों, और रात के 9 से 9:30 की आखिरी जो आरती होती है तो तब तक यह मंदिर खुला रहता है, तो आप दर्शन यहाँ पे आके कर सकते हो। गजानन महाराज के जन्म के बारे में कुछ भी जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक से बिलोंग करते थे, और उनके एक जो भाई थे वो भी काफी मतलब प्रसिद्ध संत थे। दोस्तों जो महाराष्ट्र के विदर्भ जिले के जो बुलढाणा जो जिला आता है, वहां पे 23 फरवरी 1878 को सबसे पहली बार ये देखे गए थे, और 8 सितंबर 1910 को इन्होंने समाधि ली। तो लगभग इनका जो जीवन था वो 32 साल का था, जिसमें इन्होंने लोगों के काफी सारे चमत्कार दिखाए, काफी सारे जो लोग थे इनके जो दुख दर्द थे इनको जो संत गजानन महाराज ने काफी दूर किया। दोस्तों मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते। मंदिर काफी भव्य बना है, और हमने कोशिश करी कि कुछ वहाँ पे चीजें मतलब कैप्चर करें, बट ऐसा हुआ नहीं मतलब। और यहाँ पे मतलब एक जो बंदा आ गया हमसे पूछने लगा कि हमने कोई रिकॉर्डिंग करी है क्या, और उस मोबाइल हमारा मतलब मांगने लगा। एनीवेज हमने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा था। मंदिर आपका यहाँ पे 2 फ्लोर का है, ऊपर भी एक मंदिर है नीचे भी एक मंदिर है, आप बैठ सकते हो यहाँ पे शांति से। आप बिल्कुल यहाँ पे मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पे रुकने के बाद में। और सबसे अच्छी बात की जब आप मंदिर को सबसे ऊपर चले जाओगे तो वहां से जो सामने का दृश्य दिखेगा दोस्तों काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि मंदिर काफी ऊंचाई पर है, और ऐसे में सामने पूरा आपको जो दृश्य दिखेगा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मंदिर प्रीमाइसिस में आपको ये सब जितने भी बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही हैं सब भक्ति निवास हैं, और सब अलग अलग नाम से यहाँ पे नाम, किसी का नामदेव, किसी का संत ज्ञानेश्वर, किसी का मुक्ता भाई, किसी का निर्वित्तिनाथ, किसी का संत तुकाराम, बस सब यहाँ पे भक्ति निवास क्रमांक है। जैसे कि यहाँ पे भक्ति निवास क्रमांक 1, भक्ति निवास क्रमांक 2, भक्ति निवास क्रमांक 3, 4 और 5, इस तरीके से भक्ति निवास से। मैं ज़रा पूछता हूँ कि क्या लगेगा, मतलब कि भक्ति निवास में स्टे करने का कॉस्ट क्या है। साथ में यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए पानी की व्यवस्था भी है। दोस्तों आपको ऐसा कार्ड मिलेगा श्री गजानन महाराज संस्थान से गाँव, जो यहाँ पे शाखा है श्री क्षेत्र आलंदी से गाँव, जो मैंने उनको पूछा तो कहीं दूर यहाँ से है, और उसी की एक शाखा है यहाँ पे। अगर आप कोई बाहर से आता है, पुणे के बाहर से अगर कोई यहाँ पे ट्रेवल करके आता है, तो उसको यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे प्रसादालय में की गई है। आपके पास ऐसा कार्ड होना चाहिए। हमने उनको बताया कि हम बाहर से मतलब मुंबई से यहाँ पे पहली बार इस मंदिर में पहली बार आए हैं, तो उन्होंने हमें ऐसा कार्ड दिया, और ऐसा कार्ड हम वहाँ पे उनको देंगे तो शायद हमें अंदर एंट्री के लिए देंगे। वही यहाँ से इनको देंगे हम लोग और अंदर जाएंगे। भाई यहाँ पे जो गजानन महाराज का जो मंदिर है, प्रसाद में जो कार्ड मिला था हमें, यही प्रसाद मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मिलेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, इन लोग ऐसे सर्व करते रहेंगे। जैसे वहाँ पे भाई साहब देखो आपको
सब्जी वगैरह सब कर रहे हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद में अगर आपको पानी भी पीना होगा तो पानी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पानी बहुत ही ठंडा था मतलब, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ में अगर आप भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो, जिससे जो भी लोग यहाँ पे आते हैं हमारे आपके जैसे जो बाहर से आते हैं उन्हें मतलब यहाँ पे प्रसाद मिल सके। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, और स्टे करने के लिए भक्ति निवास क्रमांक अलग अलग है। भक्ति निवास क्रमांक 2 4 3 4 3 एक और दो, एक किधर है, एक नहीं है क्या, क्यों? अच्छा ठीक है, तो इतने भक्ति निवास इनके पास है। और जो दूसरा है आपका वो शादी अटैच्ड रूम है, 5 से 8 गादी। इसके जरा आप बताओगे क्या, मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या है, कैसे कैसे है? ये जो इसमें दो बेड है, अच्छा ठंडा बाथरूम अटैच है उसमें, और उसमें नीचे जमीन पे गादे आते हैं इसमें। किसमें? इसमें ऊपर दो, भक्ति निवास क्रमांक 2 में नीचे गादी आती है, नीचे जमीन पे। 5 लोग रहेंगे तो 250 रुपया, और 8 लोग, 8 बंद हो गए, पाँच ही है क्या, तो कितना लगेगा? 250, 350 नहीं, ये बेड वाले हैं। कैसे मालूम पड़ेगा बेड वाले हैं? अच्छा दो बेड है, दो बेड रहेगा तो 250 रुपये। ये आपका 3 बेड है, 300 रुपया। उसके बाद में ये सुसज्जित युक्त क्या है? वो दो बेड आते, उसमें सब टॉवल वगैरह सब उसमें रहता है, सब कुछ रहता है क्या? तो 500 रुपया रहेगा तो दो बेड, 3 बेड रहेगा तो 700। और आपका भक्ति निवास 4 है जो सुसज्जित युक्त जो एसी वाला है, 3 बेड रहेगा, एक सोफा 3 बेड, 950, 950 रुपया। टैक्स भी लगता है कि बस इतना ही देना पड़ता है? और अंदर टॉयलेट वगैरह सबके रहता है? पानी गर्म ही मिलेगा। अच्छा 24 घंटे भाई पानी गर्म मिलेगा। तो ये थोड़ा रूम के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, और भाई साहब ने बताया। आपका नाम क्या है? दर्शन जी ने बताया। फाइनली भाई पूरा आलंदी दर्शन करके आ गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की, पूरा संत ज्ञानेश्वर महाराज का यहाँ पे समाधि था, उसके बाद में जो उनका जो ज्ञानेश्वरी जो मंदिर अभी बन रहा है अभी भी, उसे भी हमने एक्सप्लोर किया। गजानन महाराज का भी मंदिर हमने एक्सप्लोर किया, जो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो इस तरीके से आलंदी आधा हमने जो मेन आलंदी पूरा कवर कर लिया। कुछ और भी ऐसे जगह थे लेकिन धूप ज़्यादा होने की वजह से, समय कम होने की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, जाते रहेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कभी मत भूलना, मतलब कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं आगे इसे इम्प्रूव कर सकूँ, आपके सामने बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।